dear students, I will talk about today lecture on parasitism. It is the most population interactions in organisms and populations. ठीक है, तो आज हम जो parasitism है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. और जल्दी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो कंपटीशन यानी दो स्पीसीज के बीच में, दोनों स्पीसीज का जब कंपटीशन होता है तो दोनों को क्या होता है, हार्म होता है. लेकिन पैरासिटिज्म के अंदर जल्दी एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरे को हार्म होगा. तो आज बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. तो जल्दी, जो पैरासिटिज्म है इसको हम किस तरह से, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी एक स्पीसीज है ए और एक स्पीसीज आपकी बी. तो एक स्पीसीज को मैंने प्लस से डिनोट किया, एक स्पीसीज को मैंने माइनस से डिनोट किया. जो प्लस के जो मैंने डिनोट किया इसको क्या होता है, प्रॉफिट होगा. इस स्पीसीज को क्या हो गया, प्रॉफिट है. और दूसरी जो स्पीसीज है इसको क्या हो रहा है, लॉस. इसको क्या होता है, लॉस. तो जल्दी आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जो दो स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो यहां पर जो एक स्पीसीज को प्रॉफिट होगा और दूसरी स्पीसीज को लॉस होता है. जिस स्पीसीज को लॉस होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट. इस स्पीसीज का नाम क्या दिया जाता है, होस्ट. क्योंकि ये होस्ट है जिसके ऊपर की जो आपकी प्रॉफिटेड वाली स्पीसीज है, जिसको हमने बोला पैरासाइट. इस स्पीसीज को नाम क्या देते हैं, पैरासाइट नाम देते हैं. और ये डिपेंड करती है होस्ट के ऊपर. यानी होस्ट से जितना भी आपका न्यूट्रिशन है वो इसको लेती रहती है, गेन करती रहती है. इस वजह से जो होस्ट की जो बॉडी है वो आपकी पूरी तरह से क्या जाती है, वीक हो जाती है. होस्ट की बॉडी पूरी तरह से वीक हो जाती है, इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी. और ये आपके लिए क्या होती है, जो पैरासाइट जो आपके ऑर्गन्स होंगे वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, होस्ट की बॉडी पर, और इनकी जो बॉडी को जो है वीक बना देते हैं. इस वजह से इनको जल्दी बोलते हैं वल्नरेबल ऑर्गन्स. ये जैसे ही शिकार करने, जो शिकार हैं जैसे इनका शिकार करेंगे वो ये तुरंत क्या हो जाएंगे, इसकी बॉडी मतलब इनको कैच कर लेते हैं और इस वजह से इनका काफी लॉस होता है. तो यहाँ पर देखें हम कि इसको किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो जल्दी, जो पैरासिटिज्म होता है इसके हम डिफाइनेशन लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे. तो पैरासिटिज्म इज जनरली, इट इज जनरली डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वन इज बेनिफिटेड, विच वन इज बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. तो जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म को आपका लॉस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म को आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट. द ऑर्गेनिज्म्स दैट हैव बेनिफिटेड is called parasite, and while the another one get loss is called host. ठीक है, तो जिसको loss हो रहा है, जिसकी body में क्या है, किसी तरह की आपकी वीकनेस आ रही है बॉडी को, उसको हम बोलते हैं होस्ट. क्योंकि पैरासाइट्स को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ से पूरा अपना न्यूट्रिशन को गेन करता रहेगा, जबकि जो होस्ट की बॉडी है उसको वीक बना देता है. तो इस तरह से आपको दोनों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि दो स्पीसीज के बीच में ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज को आपको प्रॉफिट होगा और दूसरे स्पीसीज को लॉस होता है. तो हो सकते हैं, एक हो सकता है एंडोपैरासाइट, एक हो सकता है आपका एंडोपैरासाइट, और दूसरा होता है आपका एक्टोपैरासाइट. कुछ आपके पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी. कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं. तो जल्दी, जो एंडोपैरासाइट हैं इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं,
टैप वॉर्म है, टैप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। कुछ आपके फ्लीज हो सकती हैं, फ्लीज एज वेल एज आपके बार्निकल्स, बार्निकल्स भी आपके एग्जांपल इसमें रख सकते हैं। सेट है उसमें टैप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, फ्लीज है, बार्निकल्स है। अभी जल्दी जितने भी आपके एग्जांपल हैं ये इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। अभी किस किस बॉडी के किस किस ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये आपके इफेक्ट करते हैं आपके लिवर को, ठीक है, आपके आरबीसीज को, लिवर को, आरबीसीज को, इसके साथ ही आपकी किडनी को भी आपके इफेक्ट कर सकते हैं, किडनी को। तो यहाँ पर लिवर, आरबीसीज, किडनीज ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको इफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को भी आपके इफेक्ट करते हैं। तो ये जितने भी आपके इन्फेक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिविंग ऑर्गन्स, मैंने भी क्या बोला है कि ये दो लिविंग थिंग्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। जैसे कि ये किसके अंदर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर है, एंडोक्राइन प्लेटफॉर्म में। ये लिवर को भी इफेक्ट करते हैं, आरबीसीज को करते हैं, किडनी को करते हैं, इसके अलावा इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं। और ये जनरली हमारी बॉडी जो सिस्टम है, पूरा जो बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वीक बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट क्या होता है, सरफेस, बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं लाइस ऑन ह्यूमन, बालों में जो जुआ पड़ जाती है उनको बोलते हैं लाइस ऑन ह्यूमन, ठीक है। वहां से आपको हेयर से आपकी क्या करेंगी, नरिशमेंट लेती है। इसके अलावा टिक्स ऑन डॉग, टिक्स ऑन डॉग, जो डॉग की सरफेस पर काफी सारी टिक्स चिपकी रहती है एडेसिव ऑर्गन्स की हेल्प से, सकिंग ऑर्गन्स की हेल्प से, तो उनके यदि आपके एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट्स के, जो कि बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं। जो बॉडी के इनसाइड पाए जाएंगे इनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं, जो बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं उनको एक्टोपैरासाइट्स बोला जाता है। तो इसके मैंने एग्जांपल यहाँ पर प्रॉपरली ढंग से आपको लिख दी है, आप नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करें और कौन कौन से होते हैं, ये तो हमारे एनिमल्स के रिगार्डिंग हमने बात की है। यदि हम इनफैक्ट हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के अंदर हम देख सकते हैं, ये हमने लिया है प्लांट्स, प्लांट्स में आपका एग्जाम्पल है कसकटा। कसकटा एक प्लांट है जो कि क्या करेगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता और ना ही इसकी लीव्स होती होती हैं, ड्यू टू कॉर्स ऑफ एवोल्यूशन आपकी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती है, पूरी तरह इसका लॉस हो जाता है। तो इसमें लॉस होने की वजह से ये क्या करेगा, एक प्लांट है हेज प्लांट, हेज प्लांट की, हेज प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, क्लाइंबिंग करेगा और इससे पूरा नरिशमेंट हेज प्लांट से लेता है। क्योंकि कसकटा में मैंने अभी रीजन बताया, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड लीव्स, अभी दोनों थिंग्स की एब्सेंट होने की वजह से क्लोरोफिल नहीं है ना लीव्स है, तो ये क्या करेगा, इसको अमरबिल भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करें तो अमरबिल बोलते हैं। कसकटा क्या करेगी, हेज प्लांट्स के जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसके बाद वहीं से आपका नरिशमेंट पूरा लेती है उसी से। ये आपका प्लांट्स का एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ आपके ऐसे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब जनरली ये जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ये ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ऐसे पैरासाइट होते हैं जैसे कि मान लो कभी भी इवोल्यूशन के ड्यूरिंग, ड्यू टू कॉर्स ऑफ इवोल्यूशन यदि कुछ भी चेंजेस आए किसी की बॉडी के अंदर, होस्ट के बॉडी के अंदर, तो वो भी क्या करेंगे कि पैरासाइट्स में ऐसी एबिलिटी होती है कि अपने आप को भी क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो किस किस तरह के अडेप्टेशन करते हैं, जब इवोल्यूशन होता है तो देखिए, यदि वो लॉस, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इन्हें अपने बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लॉस करने से चिपकते नहीं थे, तो इन्होंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर दिया, लॉस कर लिया। उसके बाद दूसरा अडेप्टेशन क्या हुआ, इन्होंने लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स, अननेसेसरी ऑर्गन्स सच लाइक एंटीना होता है, इनका अननेसेसरी ऑर्गन्स उनको इन्होंने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, ठीक है। तीसरा जो इसके अंदर एडेप्टेशन हुआ पैरासाइट्स की बॉडी के अंदर वो कौन सा हुआ, ये इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव रेट को हाई किया, यानी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनके बॉडी के अंदर हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा करते हैं, मोर एंड मोर। नंबर फोर लास्ट, डेवलप्ड
डेवलप कर लिया किस तरह के ऑर्गन्स को, सकिंग है एडहेसिव ऑर्गन्स, सकिंग एंड एडहेसिव ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स है? सकिंग एंड एडहेसिव ऑर्गन्स को इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। सकिंग एडहेसिव ऑर्गन्स में किस तरह से, जैसे कि जैसे लाइस है और लाइस हुमेंस के हेयर्स में चिपकने के लिए, उनसे चिपके रहने के लिए, उनसे जुड़े रहने के लिए सकिंग और एडहेसिव ऑर्गन्स को डेवलप किया। उसकी वजह से आसानी से उनसे क्या हुआ, वो चिपकी रह सके बॉडी से और वहां से उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, गेन करते रहे, ठीक है। तो इसके कुछ एडेप्टेशन हैं। अब इसके अलावा मैंने बताया कि कुछ आपके ऑर्गन्स होते हैं पैरासाइट ऑर्गन्स, वो आपके होते हैं होस्ट स्पेसिफिक। कैसे होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि ऐसे ऑर्गन्स होते हैं पैरासाइट ऑर्गन्स जो कि एक होस्ट, जिन्हें इनका फिक्स होस्ट है, उन्हीं के बॉडी से आपके क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, अदरवाइज और किसी भी ऑर्गन्स के बॉडी पर नहीं जाएंगे। कैसे? मान लो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया लिवर फ्लूक का। लिवर फ्लूक पता है ना सबको, लिवर फ्लूक, ठीक है। ये लिवर की स्ट्रक्चर होती है आपकी, इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर देखी होगी लिवर फ्लूक की, ये आपकी लिवर फ्लूक है। और यहां पर आपने देखा होगा इसके अंदर कुछ सकर्स होते हैं, इस तरह के लिवर फ्लूक का एग्जाम्पल है। तो ये लिवर फ्लूक क्या करेंगे, इसके पूरी लाइफ के अंदर दो तरह के होस्ट है, ठीक है। दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं पूरा लाइफ साइक्लिंग का। एक होता है आपका स्नेल और दूसरा होता है फिश। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं स्नेल और फिश लिवर फ्लूक के। इसके अलावा हम बात करें, यदि जैसे माना जाता है आपको प्लाज्मोडियम, नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर हम क्या मानते हैं, जो एनोफिलीज, एनोफिलीज जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो ये माना जाता है ये कि बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता, ये तो वेक्टर होता है जो कि एक मीडियम, मतलब मीडियम पर की तरह काम करेगा, जो कि उसको स्पोरोजाइट्स को आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं, तो वेक्टर की तरह काम करता है। जबकि जो आपके इस जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम आपकी एक डिजीज है आपको पता है। ये प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, इसकी इंफेक्शन जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट। और जो स्पोरोजाइट ही है इसको बोलते हैं इंफेक्शियस स्टेज, इंफेक्शियस स्टेज। तो प्लाज्मोडियम क्या हुआ, पैरासाइट हुआ, और इनकी इंफेक्शियस स्टेज कौन सी हुई, स्पोरोजाइट। अब इसमें एनोफिलीज का कोई रोल है ही नहीं, ये तो आपका पैरासाइट थोड़ी है, इसको हम पैरासाइट नहीं बोल सकते। एनोफिलीज जो फीमेल मॉस्किटो है ओनली एक वेक्टर होता है जो कि जो डिजीज है उसको फ्लो करने में हेल्प करती है, ठीक है, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने में क्या करेगी, हेल्प करती है। जबकि प्लाज्मोडियम आपका ये आपका पैरासाइट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारी जो इसकी इन्फेक्शन स्टेज है स्पोरोजाइट, ये कम्प्लीटली क्या करती है, मोर एंड मोर आपका रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है, हमारी आरबीसीज के अंदर जाएगी, उसको इफेक्ट करती है, लिवर को इफेक्ट करती है, ठीक है। इस तरह का ये क्या होती है, इन्फेक्शन स्टेज होती है स्पोरोजाइट। तो जल्दी ये तो जल्दी हमारा एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट किस तरह से हमारी बॉडी को वीक बनाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। और अब हम इसका जो लास्ट पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। जो ब्रूड पैरासिटिज्म है इसका अच्छा एग्जाम्पल जो देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है, जो एक होस्ट होता है वो दूसरे होस्ट के नेस्ट में जाकर अपने एग्स को ले करता है और वहीं पर उसको क्या करता है, पूरी तरह से उसका केयर करता है। कैसे करेगा, जैसे इसके एग्जांपल में हम देखें तो कुकू, जिसको हम जल्दी क्या बोलते हैं, कॉयल, ठीक है। और जो क्रो, जो इनका इंटरेक्शन होता है क्रो और कॉयल, क्रो एंड कॉयल जो इनका इंटरेक्शन होता है उसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोला जाता है। देखिए कैसे, ब्रूड का मतलब है कि पूरा इसके जो एग्स होते हैं उनका केयर करना। तो यहां कैसे करेंगे, जो क्रो है इसका जो नेस्ट होता है, क्रो की नेस्ट में क्रो अपने अंडो को यहां रखता है, इसका फायदा उठाकर क्या करेंगे, जो आपका कुकू है, ठीक है, ये कुकू भी क्या करती है, इसके एग्स को जो क्रो का नेस्ट है उसके अंदर जाके दे आती है, ठीक है, लेकर देती है क्रो के नेस्ट के अंदर। ये आपका किसका नेस्ट है, क्रो का। अब इसमें आगे ब्रूड पैरासिटिज्म कैसे हुआ, देखिए कुकू जो जो क्रो था, ये क्रो अपने जो एग्स को क्या करता है, केयर करता है, तो उसने साइज एंड कलर है किसके,
कुकू के कोयल्स के एग्स के, वो रिसेम्बल करता है, रिसेम्बल करता है किसके एग्स के बराबर, किसके एग्स के समान, क्रो के एग्स के समान, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुड पैरासिटम। अभी क्या करता है क्रो, जब इसका साइज और कलर है रिसेम्बल करता है क्रो के एग्स के जैसे, तो क्रो जो क्या करता है इसके नेस्ट के अंदर जब इसके कुकू के जो एग्स होते हैं उनको भी केयर करता है, क्योंकि दोनों के जो एग्स हैं वो बिल्कुल साइज और कलर में एक जैसे होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और उनकी पूरी तरह से केयर करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो जल्दी आज हमने टॉपिक डिस्कस किया पैरासिटिज्म, आपको आई होप समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।